बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यू जॉब नॉलेज गुरु चैनल और फेसबुक पेज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर आप ASF में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखनी है, ठीक है नाज़रीन। सबसे पहले आपने हमारी वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, इस तरह governmentpark.job.com। सर्च करने के बाद ये नीचे वाला लिंक आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन आपके सामने इस तरह सा पेज आ जाएगा, ठीक है नाज़रीन। आपने इस जगह पर क्लिक करना है। इस जगह पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह सा पेज आ जाएगा, ठीक है। आपने इस जगह पर क्लिक करना है, दरमियान में क्लिक हियर अप्लाई पर, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद नाज़रीन आपके सामने कुछ इस तरह सा पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह सा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने ईमेल देना है, पहले लॉगिन पर आपने क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद नाज़रीन आपके सामने कुछ इस तरह सा पेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैश, इसके बाद ईमेल, इसके बाद आपने आरजी पासवर्ड देना है। अपने ईमेल का पासवर्ड नहीं, आरजी पासवर्ड देना है, उसको आपने याद रखना है। उसके बाद यही पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद आपने साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद नाज़रीन आपके सामने कुछ इस तरह सा पेज आ जाएगा। अगर आपके पास एरर आ रहा है तो इसको रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद नाज़रीन आपने यहाँ पर दोबारा अपना जीमेल और पासवर्ड जो आपने दिया था वो देना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद नाज़रीन आपके सामने इस तरह सा पेज आ जाएगा और यहाँ पर अब आपकी बाकायदा अप्लाई शुरू हो जाएगी, ठीक है नाज़रीन। तो आपने इस जगह पर क्लिक करना है, क्लिक हर बार, ठीक है। क्लिक करने के बाद नाज़रीन सबसे पहले तस्वीर आता है, आपने तस्वीर सेलेक्ट करना है। अगर आपके यहाँ पर वो साइज़ 30 GB मांग रहा है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, 30 GB। यहाँ पर आप अपनी तस्वीर की साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। तो आपने पहले इस पर क्लिक करना है। अब अगर आपकी तस्वीर की साइज़ ज़्यादा है तो आप इसको छोटा कर ले। इसके बाद आपने तस्वीर अपलोड करना है, ठीक है नाज़रीन। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट सेंटर और डोमिसाइल लिखे है। जब टेस्ट सेंटर पर आप क्लिक करोगे इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर जो तीर निशान साइड पर बना हुआ है इस जगह पर, ठीक है, तो आपके सामने तमाम सेंटर शो हो जाएगी। जो भी आपका नज़दीक है वो आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद नाज़रीन डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड सब कुछ आपने देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना मोबाइल नंबर, मज़हब, जेंडर आपने, ठीक है, कास्ट आपकी, ठीक है, कौमियत जो हो, ठीक है, सब कुछ आपने देना है। और इसके बाद नाज़रीन आपने इस अपडेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नाज़रीन आपने आगे जाना है। इसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन की बारी आती है। सबसे आखिरी डिग्री जो आपके पास है, फ़र्ज़ करें आपके पास मास्टर है, BA है, ठीक है, या MEC है, तो आपने उसको यहाँ पर उसके नंबर सब कुछ आपने यहाँ पर दर्ज करने है, ठीक है। यहाँ पर तरतीब के साथ सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद नाज़रीन आपके पास अगर आप कोई सरकारी अफ़िसर है या सरकारी नौकर है तो अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने तमाम तर डिटेल देने हैं। इसके बाद नाज़रीन इसको भी आपने सेव करना है तरतीब के साथ, ठीक है, इधर भी आपने सेव करना है तरतीब के साथ, ठीक है। इसके बाद नाज़रीन जो सेव करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह सा पोजीशन आ जाएगी। इसके नीचे नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके नीचे अप्लाई का सुर्ख बटन होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह सा पेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपने जितनी पोस्टों के लिए अब आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, 1, 2, 3 के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नाज़रीन आपने वापस डैशबोर्ड की तरफ जाना है, ठीक है, यहाँ पर इस साइड पर डैशबोर्ड, ठीक है। जब आप डैशबोर्ड पर जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह सा आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने 2 पोस्टों के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसका वो लेना चाहते हैं तो आपने इस जगह पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह सा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाज़रीन, आपका मेडिकल और फिज़िकली जो आपका रोल नंबर स्लिप होगा वो आप दोबारा डाउनलोड करोगे, ठीक है। ये आपके अप्लाई का कन्फर्मेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है ऑनलाइन, वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने साथ स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। तो ये थी अप्लाई का मुकम्मल तरीका। कोई भी मसला या कोई भी बात हो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।